राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव 2017 में अध्यक्ष पद पर जीत हासिल करने वाले पवन यादव ने कहा कि विश्वविद्यालय के छात्रों ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उन पर जीत की मुहर लगाई है। ऐसे में अब वो भी साल भर छात्र हितों के लिए काम करेंगे। जीत के बाद पवन यादव से बात की हमारे संवाददाता राहुल भारद्वाज ने। विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव 2017 के नतीजे आ गए हैं और इस बार विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष बने पवन यादव मेरे साथ मौजूद है। पवन, सबसे पहले तो आपको हार्दिक बधाई, 2656 वोटों से आपने जीत दर्ज की, आप क्या करने वाले हैं पूरी साल संगठन के लिए, जो छात्रों ने आपके ऊपर भरोसा जताया? राजस्थान विश्वविद्यालय के सभी छात्र एवं छात्राओं को मैं बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ और उनका तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जो उन्होंने मुझे इस लायक समझा और इतने भारी मतों से किसी संगठन का साथ न रहकर जातिवाद क्षेत्रवाद सभी को दूर रहकर मेरे ऊपर विश्वास किया और मुझे जिताया। मैं भी उनको विश्वास दिलाता हूँ, जिस प्रकार उन्होंने मुझे विश्वास कर मेरे छात्र संघ के अंदर पद पर उन्होंने मुझे वोट किया है, उस वोट के नाते मैं उनके लिए 365 दिन रहकर राजस्थान विश्वविद्यालय में मैं काम करूंगा और उनके हितों के लिए संघर्ष करूंगा जो भी मेरे से बनेगा। कड़ा मुकाबला था, करीबी मुकाबला बताया जा रहा था, लेकिन 2500 से अधिक वोटों से जीत प्राप्त करना, किस तरह से देखते हैं छात्रों का जो विश्वास आपको पड़ रहा है? देखो, राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र बहुत ही समझदार छात्र है, पढ़ा लिखा छात्र है, क्योंकि राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर जो भी छात्र पढ़ने आता है वो अपने गाँव का, अपने तहसील का, अपने जिले का टॉपर होता है, तो उसको समझ है कि कौन छात्र संघ के अंदर हम किस प्रकार का एक छात्र नेता चुन के भेजेंगे जो हमारे लिए पूरी साल हमारे लिए काम करेगा, हमारे हितों के लिए हमारे हितों की रक्षा करेगा, और उन्होंने इस विश्वास को कायम रखा है और जो मैं उन्होंने संगठन से ऊपर उठकर जो कार्य किया। जी बिल्कुल, पवन यादव का कहना है कि छात्र हितों के लिए वो काम करेंगे, छात्रों ने उनके ऊपर भरोसा जताया क्षेत्रवाद जातिवाद से ऊपर उठकर। कैमरा पर्सन अभिजीत शर्मा के साथ राहुल भारद्वाज, A1 TV जयपुर।